Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं हम हैं आपको लेकर मुंबई गोरेगांव ईस्ट से। आज हम आपको मुंबई की सैर कराने लिए चल रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये है मुंबई गोरेगांव ईस्ट में स्थित इन्फिनिटी आईटी पार्क। यहां पर बड़े बड़े कॉल सेंटर्स के ऑफिसेज हैं, तो चलिए इसके अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से कितना खूबसूरत इस जगह को दोस्तों बनाया हुआ है। पहाड़ों को काट काट के इस जगह को तैयार किया हुआ है दोस्तों, और बहुत ही बड़े विशाल पैमाने पर यहाँ पर कॉल सेंटर्स के ऑफिसेज हैं। और व्यू यहाँ का बहुत ही अच्छा है। समय समय पर यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर होती रहती है। ये शूटिंग लोकेशन है गोरेगांव ईस्ट की। ये यहाँ की खूबसूरती को आप ये देख सकते हैं दोस्तों, और मुंबई की खूबसूरत खूबसूरत जगह देखने के लिए तैयार है ना आप लोग? तो चलिए आपको आज अच्छे अच्छे फोटोग्राफी के साथ में हम आपको दिखाएंगे किस किस तरीके से शॉट लिए जाते हैं, किस किस तरीके से आपको अगर बाइक राइड करना है तो गोप्रो होना भी ज़रूरी है, कैमरा भी होना ज़रूरी है, माइक भी होना ज़रूरी है, हर तरह के सिस्टम होना ज़रूरी है। और ये हम आपको यहाँ पर ये रहेजा रेसिडेंसी में हम आपको लेकर आए हैं। यहाँ पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले सहलेश लोढ़ा, जिन्होंने तारक मेहता का काम किया था, अभी फिलहाल इस सीरियल में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो यहीं पर दोस्तों रहते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने वाले सहलेश लोढ़ा, जिन्होंने तारक मेहता का किरदार सीरियल के अंदर किया था, और बहुत ही प्रख्यात कवि रहे हैं दोस्तों, वो यहीं पर निवास करते हैं। ये रहेजा रेसिडेंसी को ये लेफ्ट साइड में ये मेन गेट है, यहीं से एंट्री की जाती है। और ये गोरेगांव ईस्ट मुंबई में स्थित है दोस्तों। और चलिए यहाँ से अब हम आपको आगे लिए चलते हैं, और पूरे गोरेगांव के बारे में बताते हुए मलाड भी चलेंगे, और ईस्ट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को आपको दिखाएंगे और ये पूरा खूबसूरती। तो चलिए यहाँ से निकलकर हम आ चुके हैं गोकुल धाम। ये लेफ्ट साइड में दोस्तों यशोधाम इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत ही खूबसूरत। और पीछे आप डीवी वुड्स की बिल्डिंग को आप राइट साइड में मेरे आप देख सकते हैं दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत जगह ये पूरा फिल्म सिटी रोड है। अगर आप इसी से पीछे अगर आप चले जाएंगे तो बिल्कुल गोकुलधाम कॉलोनी के पास में ही फिल्म सिटी है, और स्टेशन से गोरेगांव ईस्ट स्टेशन से करीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर गोरेगांव फिल्म सिटी स्थित है, जिसे कि दादा साहब फाल्के चित्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये पूरा गोकुलधाम से हम आपको सफ़र तय करा रहे हैं, और यहाँ की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में जो दोस्तों ये दीवार है, इसके इधर ये पूरा आरे का फॉरेस्ट की ज़मीन है दोस्तों यहाँ पर। और मुंबई में आरे डेयरी भी है, महानंदा डेयरी भी है, जिसके माध्यम से पूरे मुंबई कर वासियों को दूध वितरित किया जाता है दोस्तों। और ये राइट साइड में आप ये रयान इंटरनेशनल स्कूल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े फिल्म स्टार के बच्चे यहाँ पर एजुकेशन लेते हैं। और ये आप बहुत ही खूबसूरत ये पीछे की बिल्डिंग ओबेरॉय वुड्स को आप ये देख सकते हैं। ओबेरॉय गार्डन भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बना दिया है ओबेरॉय बिल्डर ने दोस्तों। और ये हम आपको लेकर आ चुके हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर। ये आप पीछे की बिल्डिंग्स आप वेस्टर्न बिल्डिंग को आप ये देख सकते हैं राइट साइड में, और यहीं से गोवा की बसेज, यहाँ से अगर आप गोवा जाना चाहते हैं, इंदौर जाना चाहते हैं, गुजरात जाना चाहते हैं, तो यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से आप स्लीपर कोच बसेस पकड़ सकते हैं। शिरडी जाना चाहते हैं इवन, तो ये ब्रिज के नीचे से हम आपको घुमा कर वापस लेकर आए हैं, ताकि आपको अच्छे से अच्छा व्यू देखने को मिले। अगर अपोजिट साइड से सूरज रहता है तो रोशनी और कैमरा बराबर उसको कैप्चर नहीं कर पाता, क्योंकि रिफ्लेक्शन आता है सामने से सूरज का। इसलिए हमने बाइक को टर्न लेकर आए और
आगे से हम आपको खूबसूरत खूबसूरती दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, ये हमने बाइक को यहाँ से नीचे ब्रिज के नीचे से वापस रिवर्स हम आपके लिए ले रहे हैं, ताकि आप भी बोर ना हो और अच्छे से अच्छे खूबसूरत सीनरीज का आनंद ले सकें। ये हम आपको लेकर आ चुके हैं वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और ये पूरा गोरेगांव ईस्ट, और ये राइट साइड में आप दोस्तों ये देख सकते हैं मेट्रो, मुंबई की मेट्रो, जो कि दहिसर चेक नाके से ये अंधेरी तक का सफ़र तय करती है। और वेस्ट में भी अगर आपको जाना है तो वेस्ट में भी आप जा सकते हैं, अंधेरी वेस्ट में। और फिलहाल हम आपको ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो कि अहमदाबाद से मुंबई आता है, इसी के माध्यम से दिल्ली, चंडीगढ़, जिधर भी आप जाना चाहें वहाँ पर जा सकते हैं। मुंबई जो है लंबाई में फैली हुई है ईस्ट और वेस्ट में, इसीलिए मुंबई इज़ द बेस्ट। और हालांकि हर शहर को सभी लोग अपने अपने शहरों से प्यार करते हैं, लेकिन अजीब सा अट्रैक्शन है इस शहर में दोस्तों। लड़का बच्चा जब बड़ा होता है तो सभी की ख्वाहिश, बच्चा बूढ़ा हो या जवान, सभी की ख्वाहिश होती है कि हम मुंबई शहर जो है माया नगरी को एक बार अवश्य देखें। तो चलिए, ये मेट्रो का फ्लाईओवर ये आरे का, और हम आपको लेकर आते हैं जोगेश्वरी तक का सफ़र। चलिए आपको तय कराते हैं और यहाँ की खूबसूरती भी साथ में दिखाते हैं, और पीछे की खूबसूरती आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की आप देख सकते हैं। गोरेगांव ईस्ट अपने आप में बहुत ही खूबसूरत बसा हुआ है मुंबई में दोस्तों, और बड़ा ही आनंद आ जाता है। दिन में निकलो, रात में निकलो, और ये आप ये देख सकते हैं, ये हम आपको लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। यहीं पर दोस्तों ये स्टेशन है, और यहीं पर बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, अगर आप मुंबई शहर में आते हैं तो बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, जो बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस होते हैं यहीं पर होते हैं। इसे गोरेगांव और जोगेश्वरी के बीच में ये जगह आती है। यहाँ से हमने वापस से ब्रिज के नीचे से यू टर्न लिया, और ये लेफ्ट साइड में जो झंडे आप देख रहे हैं यहीं पर बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर है, लेफ्ट साइड में ही। ये जो ब्रिज आ रहा है इससे पहले ओवरब्रिज, पब्लिक ओवरब्रिज से पहले ही लेफ्ट साइड में ही ये बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर को आप देख सकते हैं। और बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर में बड़ी बड़ी प्रदर्शनियों का आयोजन समय समय पर होता रहता है, और दोपहर में ही हम ज़्यादातर ये शूटिंग कर लेते हैं, नहीं तो मुंबई का ट्रैफिक और दिल्ली का ट्रैफिक तो अपने आप में बहुत ही इंसान को थका देता है। लेकिन ये मेट्रो जब से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, तो बहुत ही मुंबई का वासियों को बहुत ही राहत मिल गई है, और बड़ा ही आराम रहता है। और ये पूरा गोरेगांव दिखना जो है शुरू हो चुका है। मुंबई गोरेगांव ईस्ट की खूबसूरती को आप देख सकते हैं। ये हम आपको समय समय पर अलग अलग टेक्निक से घुमाते रहते हैं। मेट्रो का भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को चेकआउट करके आप देख सकते हैं मेट्रो की खूबसूरती कैसे लगती है। और बहुत ही हाइट में दोस्तों मुंबई की जो मेट्रो का जो ब्रिजेस बनाए गए हैं बहुत ही हाइटेड बनाए गए हैं, कहीं कहीं तो बहुत ही ज़्यादा अप लेकर जाना पड़ता है। और ये पूरा गोरेगांव ईस्ट की खूबसूरती आप ये देख पा रहे हैं, और ये पीछे राइट साइड में आप हमारे वेस्टर्न बिल्डिंग की खूबसूरती को आप देख रहे हैं। और इसके बाद में हम आपको फिल्म सिटी रोड पर लेकर जाएंगे, और तो चलिए वहाँ पर चलते हैं। इस ब्रिज के नीचे से हमें राइट लेना है, और राइट लेने के पश्चात जी हाँ दोस्तों, ओबेराय मॉल है, जो बहुत ही बड़ा मॉल है और वीआईपी मॉल है दोस्तों। ये राइट साइड में आप देख सकते हैं ये ओबेराय मॉल है, और ये पूरा फिल्म सिटी रोड गोरेगांव ईस्ट आप दोस्तों देख सकते हैं। बस इस रोड से स्ट्रेट चलते चले जाना है, इसके बाद में लेफ्ट साइड में दिंडोशी डिपो आता है। दिंडोशी डिपो से दोस्तों आप थाना जाना हो, कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन मुंबई में थाने नाम है, थाने डिस्ट्रिक्ट है,
और वहाँ पर आप मुलुंड जाना हो, भांडुप जाना हो, डोंबिवली जाना हो, तो बड़े अजीबोगरीब नाम लगते हैं जो इंसान पहली बार मुंबई में जो छोटे छोटी जगह जो बसी हुई है, ये लेफ्ट साइड में दोस्तों हिंडोशी डिपो है और यहीं से दोस्तों ये पूरा गोकुल धाम दिखना शुरू हो जाता है। गोकुल धाम बहुत ही बड़ी कॉलोनी है दोस्तों, गोरेगांव ईस्ट मुंबई की। तो ये पूरा हम आपको आज ये थोड़ा भ्रमण कराया गोरेगांव ईस्ट से लेकर जोगेश्वरी तक का। अगर वीडियो में हम आपको जानकारियाँ भी देते रहते हैं मुंबई के विषय में और वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। बाकी तो सबकी अपनी अपनी च्वाइस है दोस्तों। तो चलिए फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ये पूरा खूबसूरत दृश्य आप सामने आप देख सकते हैं, पूरा गोकुल धाम। और यहीं से बस आगे जाके रोड जो है राइट लेती है, उसके बाद में जो है दादा साहब फाल्के चित्रनगरी आ जाती है।